बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ियों में से एक अमिताभ और जया बच्चन आज अपनी शादी की 47वीं सालगिरह मना रहे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन ट्विटर पर बेहद सक्रिय रहते हैं। अपने शादी की 47वीं सालगिरह पर उन्होंने वो दिन याद किए जब वो जया भादुड़ी के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। इस खास मौके पर उन्होंने फैंस के सामने एक राज भी खोला है। महानायक ने बताया कि कैसे जया के साथ उनकी शादी हो गई। दोनों की लव स्टोरी की बात करें तो ये किसी फिल्मी कहानी से कम दिलचस्प नहीं है। ट्विटर पर अमिताभ बच्चन ने अपनी शादी की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 47 साल, आज 3 जून 1973, हमने तय किया था कि अगर जंजीर फिल्म सफल होगी तो हम कुछ दोस्तों के साथ पहली बार लंदन जाएंगे। लंदन जाने से पहले मेरे पिताजी ने पूछा, तुम किसके साथ जा रहे हो? तो मैंने बोला, जया के साथ। पिताजी ने कहा, तुम जाने से पहले जया भादुड़ी से शादी कर लो वरना तुम मत जाओ। इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। आपको बता दें कि उस दौर में भी अमिताभ और जया स्टार बन चुके थे। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उस समय की फिल्मों में दोनों की जोड़ियां खूब पसंद की जाती थी। इसके साथ ही मीडिया में भी दोनों के अफेयर के खूब चर्चे होते थे। पिता हरिवंश राय बच्चन की बात मानकर बिग बी ने जया से शादी कर ली। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हमेशा से ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे जो अंदर से ट्रेडिशनल और बाहर से मॉडर्न हो। जया बिल्कुल वैसी ही थी, इसी वजह से अमिताभ मन ही मन जया को पसंद करने लगे थे। वहीं जया भादुड़ी को भी अमिताभ बच्चन की सादगी पसंद आने लगी थी। उनके स्टाइल के साथ साथ उनकी सादगी की वो फैन हो चुकी थी। और शादी के लिए बाबूजी ने जो शर्त रखी थी, इस रिश्ते में बंधने के लिए दोनों मना नहीं कर सके। आज खुशी खुशी दोनों ने 47 साल बिता दिए।